बड़वानी में स्वास्थ्य कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सीएमएचओ को ज्ञापन दिया। संघ के जिला अध्यक्ष दुर्गा सोनी ने आरोप लगाया कि लक्ष्य पूर्ति के नाम पर कलेक्टर और एसडीएम कर्मचारियों को प्रताड़ित कर समीक्षा बैठक के दौरान अपमानित करते हैं। सोनी ने बताया, छोटी छोटी बातों पर कर्मचारियों का वेतन काटा जाता है और नोटिस जारी किए जाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो संगठन इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बड़वानी से अतुल कुमार की रिपोर्ट। ये हमारी अभी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में और आगे हमें उन समस्याओं को किस तरीके से हल करते हुए काम करना है, इस पर हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। मैडम, लगातार वेतन कटौती हो रही है, इनके वेतन काटे जा रहे हैं, सजाएं मिल रही है, क्या कारण है इसका? उसी सिलसिले में हम अभी कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं और जो भी निर्णय होता है उस अनुसार फिर हम आगे कार्य करेंगे। दीदी, सीएमएचओ से मिले, चर्चा की है, किन समस्याओं को लेकर मिले और क्या चर्चा की गई है? मैंने अपने जो फील्ड कर्मचारी उनकी समस्याओं से अवगत करवाया मैडम को कि मेरे मैदानी कर्मचारी आज विगत 3-4 माह से परेशान है। समीक्षा बैठक के दौरान कहीं को सोकाज नोटिस दे रहे हैं, किसी की वेतन काटा जा रहा है 7 दिन का, किसी का 15 दिन का, किसी को सस्पेंड किया जाता है, सजा की तौर पर उनको बार बार नोटिस दिया जा रहा है कि अगर आपके द्वारा कार्य नहीं हुआ तो आपको सस्पेंड किया जाएगा या तो फिर इनकी 1-1 माह की या 15-15 दिन की वेतन रोका जाएगा। तो मैं जिला अध्यक्ष के नाते मैं मेरे कर्मचारी का नुकसान नहीं होने देना चाहती हूँ। मैं मेरे मैडम से मेरी आज चर्चा हुई कि मैडम इसका कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा जाके मेरा कर्मचारी का नुकसान नहीं हो। तो आज पदाधिकारी निबोधित स्वास्थ्य कर्मचारी और पदाधिकारी हम समस्या लेके मैडम के पास गए थे और मैडम ने ये भी बोला कि मैं विश्वास दिलाती क्योंकि मैं भी आगे कलेक्टर साहब द्वारा मेरे को भी नोटिस दिया जाता है और मेरे को भी लक्ष्य पूर्ति के लिए कहा जाता है। बोले कि आपके कर्मचारी को काम तो करना है, तो पर मैंने मैडम को यही बोला कि मैडम काम तो करेंगे पर दबाव भी नहीं, मेरे मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं मेरे कर्मचारी। कम से कम मानसिक रूप से परेशान नहीं हो, आगामी जो आपके लक्ष्य की पूर्ति करते कौन करता है? हमारे मैदानी कर्मचारी ही करते हैं। लक्ष्य की पूर्ति कराने वाले जिले को प्रथम सेकंड लाने वाले मैदानी कर्मचारी अगर वही मानसिक रूप से परेशान रहेंगे तो आगे के कार्यक्रम कैसे कर सकेंगे? उनको दबाव में लाओगे, उनकी तनख्वाहें रोकोगे, उनके ये करोगे तो कैसा काम करेगा मैदानी कर्मचारी? अरे उनका मनोबल बढ़ाए, उनसे काम करवाए ताकि दबाव और सजा नहीं होती है काम करवाने का तरीका, उसको उत्साहित करें कि नहीं यार यहाँ पर काम अच्छा हो रहा, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जिले लाने की वजह से मैदानी कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, तनख्वाहें काटे जा रही, ये नहीं मैं होने दूंगी। अगर 8-10 दिन में सुधार नहीं हुआ और समीक्षा बैठक के दौरान बेइज्जती करना है ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। कर्मचारी से काम लो, उनको बेइज्जती नहीं करें। तनख्वाहें कौन दे रहा है, नोटिस कौन दे रहा है और बेइज्जती कौन कर रहा है? कलेक्टर साहब द्वारा और एसडीएम साहब द्वारा उनको नोटिस दिया जा रहा है कि इनको अभी फिलहाल नोटिस दिया जाए, इनकी 15 दिन की तनख्वाह काटी जाए, इनकी 8 दिन की तनख्वाह काटी जाए। अरे काम कर रहे हैं, प्रसव भी ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य कर्मचारी संस्थागत प्रसव नहीं करवा रहे हैं, उनको समझाइश दे रहे हैं संस्थागत प्रसव पर वहाँ पर अचानक डिलीवरी हो गई तो स्वास्थ्य कर्मचारी या सुपरवाइजर उसको दंडित नहीं किया जाए, कर रहा ना कोशिश हो। अगर ऐसे में हो जाता है तो क्या स्वास्थ्य कर्मचारी या सुपरवाइजर का तनख्वाह रोकेंगे या उसको दंडित करवाएंगे क्या? कर रहा है ना वो, प्रयास कर रहे हैं और लक्ष्य की पूर्ति के लिए दबाव डाल रहा है। आप गर्भवती महिलाओं की लक्ष्य की पूर्ति करो, नहीं तो नोटिस दो, अपडेशन में बच्चों के अपडेशन में भी नोटिस दो। ऐसा नहीं है काम करने का तरीका, ये सजा के पात्र नहीं है, सजा दे के नहीं करवाएं, उनको उत्साहित होकर करवाए और ताकि वो स्वस्थ रहे और तुम्हारा काम आगे के लिए और करे, ऐसा उनका मनोबल बढ़वाए भाई। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मेरे कर्मचारी को आंदोलन के रूप में अग्रसर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।